नमस्कार, जनसत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष श्रीवास्तव। पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कोलकाता के दो थानों की तरफ से समन भेजकर हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। नुपुर ने अपनी जान जान का खतरा बताते हुए पेश होने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था। इस बीच शनिवार को कोलकाता पुलिस की ओर से नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि वह देश के बाहर ना जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि नुपुर के खिलाफ कोलकाता समेत बंगाल के विभिन्न थानों में करीब 10 से ज्यादा FIR दर्ज है। इन सभी FIR के तहत नुपुर शर्मा को कोलकाता में किसी भी हाल में पेश होना ही पड़ेगा। कोलकाता के एमरहट स्ट्रीट और कई थानों में अलग अलग समन जारी कर दिए गए हैं। नुपुर को तलब किया गया है। साथ ही पिछले सोमवार को अमरहट स्ट्रीट और उसके साथ ही तमाम थानों में नुपुर शर्मा को 20 जून को ही पेश होने के लिए कहा गया था। उनसे बकायदा एक नोटिस जारी करके उन्हें हाजिर होने के लिए बोला गया था, लेकिन वह दोनों ही बार पेश नहीं हुई थी। अब उनके खिलाफ कोलकाता में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर TMC के राज्य अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव अबू सोहेल ने नुपुर के खिलाफ पूर्व मोदीनपुर जिले के कांधी थाने में FIR दर्ज करवा दी थी, जिसमें उन पर शांति भंग करने समेत ऐसे कई आरोप लगाए गए थे। यहां तक कि TMC के नेता ने नुपुर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की गुहार भी लगाई थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए TMC के नेता ने ये तक कहा था कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है या वो कोलकाता में पेश नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की उन्होंने चेतावनी भी दी थी। इस पूरे मामले पर ये ज्ञात होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नुपुर की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनकी टिप्पणियों ने देश में आग लगा कर रख दी है। हर जगह अशांति का माहौल है, स्थिति इतनी खराब है और इस पूरी खराब स्थिति की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द टीवी पर लाइव आके पूरी जनता से माफी मांगना चाहिए। जिस हिसाब से नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में आके पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद देश का माहौल खराब किया था, उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि जिस तरह से आपने टीवी पर लाइव डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, उसी तरह से आप फिर से टीवी पर लाइव आए और पूरे देश से माफी मांगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं देश में फिलहाल जो भी उग्र प्रदर्शन चल रहा है या जो भी हिंसा उठ चुकी है, यहां तक कि उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर केस को भी सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के विवादित बयान से जोड़ते हुए कह रही है कि इसके लिए कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा का विवादित बयान जो है वो जिम्मेदार है और नुपुर शर्मा को एक बार माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल नुपुर शर्मा की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोलकाता में जिस तरह से नुपुर शर्मा के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, अब देखना मजेदार होगा कि नुपुर शर्मा का अगला कदम क्या होता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इसके साथ ही अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी देश दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ जनसत्ता.com पर।